कंबर बिस्मिल्ला यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ये कहानी है चार ऐसे लोगों की जिनको पुर इस तरीके से मार दिया गया या वो है वो कत्ल हो गए और उनकी मौत के हवाले से काफी चिमक गुयाँ हैं ये चार लोग कौन से हैं ये चार लोग हमारी अशराफिया के जो बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं उनमें या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रहे हैं या फिर उनके जो है फ्रंट मैन रहे हैं मुबैना तौर पर केस के सबसे अहम लोग जो हैं वो इस वक्त सफाई हस्ती से मिटा दिए गए है। के हैं खसूस उन करप्शन केसेस के जिसमें शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं हमजा शहबाज इन्वॉल्व हैं जिनमें जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं और चौथा इंपॉर्टेंट करप्शन केस हमारे जो स्पीकर कौम असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ साहब की मैं बात कह रहा हूँ ये चार शख्सियात कौन है इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है ये कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगा और इनको किस तरह से कत्ल किया गया है अः इनके पीछे कौन लोग थे और इस मुल्क में क्या इंसाफ नाम की कोई चीज है इस मुल्क में आ, जो मुल्क का पैसा लूट कर गए हैं पैसा खाने वालों को आ, किसी तरह कानून के कैटरी में लाया जाएगा या नहीं सबसे पहले बात करते हैं मकसूद चपरासी की इसका नाम तकरीबन हर पाकिस्तानी को रट चुका है क्योंकि इमरान खान साहब इतनी दफा जलसों में नाम ले चुके हैं कि अब सबको पता है कि, पता कि मक, आ, मकसूद कौन है जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ कि रमजान शुगर मिल स्कैम में जिसमें शरीफ खानदान के करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के फेक अकाउंट्स पकड़े गए थे और उन जो है उन अकाउंट्स में मुबैना तौर पर जो है वो रकम आती थी और आ, इन अकाउंट्स को आ, रकम की हेर पेर के लिए इस्तेमाल किया जाता था अपने नाम पे अकाउंट्स नहीं बनाए गए थे बेनामी अकाउंट्स बनाए गए थे रमजान शुगर मिल केस में मकसूद चपड़ासी था एक और ये चपड़ासी वहाँ पे ऑफिस मैन था शहबाज शरीफ हमजा शहबाज साहब के लिए शरीफ खानदान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देता था नौ मई को पुर इस हालत में ये दुबई में मार दिया गया मार दिया गया या दिल का दौरा पड़ा जो खबरें आई उसमें दिल का दौरा बताया जा रहा है लेकिन जिस पुररार तरीके से वो वहां पे अपने बेड पे मौजूद थे जब उनकी सांसें नहीं चल रही थी गालिबन ये कत्ल अः बज़ाहिर नजर आता है क्योंकि इसका ताल्लुक एक बहुत इंपॉर्टेंट केस से था आ, इसके बाद म, मकसूद चपरासी के जी जुर्म क्या था इसका मकसूद चपरासी का जुर्म यह था कि शहबाज शरीफ के केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसमें सबसे अहम मुलिम जो था आ, सबसे अहम आप कह सकते हैं गवाह जिसके नाम पर ये सारी ट्रांजेक्शन हो रही थी वो मकसूद चपरासी था इसके नाम पर मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए गए थे और उनमें पैसे आते थे और वहाँ से मनी लॉन्डर होते थे और शहबाज शरीफ को पर फर्द जुर्म आयद हुई और फर्द आयद करने के हवाले से जब तारीख आई उन्हीं तारीखों में नौ मई की बात है जब इसको ये अपने फ्लैट से दुबई में मुर्दा हालत में पाया गया दूसरा रुख कहानी का दूसरा करैक्टर दूसरा ट्रैक्टर है जी डॉक्टर रिजवान डॉक्टर रिजवान साहब एफ आई ए के ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान साहब जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केसेस देख रहे थे डॉक्टर रिजवान पे एक नहीं मुतद दफा प्रेशर डाला गया क्योंकि ये तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इनके पास सबूत मौजूद थे इनको थ्रेट मैसेज किए गए इन्होंने उन मैसेज का रिप्लाई किया कि अल्लाह के सिवा कोई मुझे मौत देने वाला नहीं है और जिंदगी सिर्फ अल्लाह देता है इतना ना डर ऑफिसर एक दम से उसको हार्ट अटैक होता है और वो भी कुछ अरसा कबल जो है वो मौत की भीड़ चढ़ जाता है आ, उस शख्स के हवाले से खुद इमरान खान साहब जलसों में कहते हैं कि ये कैसे हो गया कि शहबाज शरीफ के केस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था डॉक्टर रिजवान उसको हार्ट अटैक हो गया Because जो खबरें आई जो जो मेडिकल उसमें हार्ट अटैक का जिक्र है। डॉक्टर पे नाजीन कहानी खत्म नहीं हुई इसके बाद कामरान साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे राजा परवेज अशरफ के केस की 2015 में ये केस बना था राजा परवेज अशरफ पे करप्शन का अभी माशाला राजा परवेज अशरफ साहब हमारे स्पीकर कौमी असम्बली है लेकिन ये कमरान साहब अपने हॉस्टल में मुर्दा हालत में पाए गए और मुर्दा हालत में भी इस तरह के पांसी का पंदा जो है इनके गले में था और बाहिर ये बताया जा रहा था कि हॉस्टल के कमरे में इन्होंने खुदकुशी कर ली है क्या वो खुदकुशी थी या कत्ल किया गया था ये मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो सका अलबत् वो भी एक एफ आई ए के ऐसे अफसर थे जो कि हाई प्रोफाइल केस से जुड़े हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की शायद सजा उनको मिली और इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है प्रेशर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं तो अभी ये कहना कबल वक्त है क्या उनको मारा गया या फिर खुद उन्होंने सुसाइड कमिट किया अलबत्त बताने वाले ये बता रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर में आके सुसाइड कमिट कर ली एक और मैं चौधरी इजाज़ महमूद साहब चौधरी इजाज महमूद साहब एान अली केस की तहकीकत कर रहे थे एान अली के नाज़ीन आपको पता है जरदारी साहब से लिंक था कि वो जरदारी साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती थी और यहाँ का पैसा वहाँ पहुँचाती थी एन अली को जो है कस्टम ने पकड़ा और इस कस्टम ने पकड़ने के बाद उन पर एक तवील मुकदमा चलता रहा चौधरी इजाज़ महमूद की बेवा कहती हैं कि उनके शोहर को कहा जाता था कि आप इनकी ट्रांजैक्शन को बढ़ा दें ताकि शक व शुबात पैदा हो जाएं आप जो रकम है उसमें जो रिकवर हुई है उसके फिगर्स को अल्टर कर दें ताकि पूरा केस आप कह सकते हैं मुबम हो जाए और पूरे केस के फैक्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल जब जिस टाइम ये पकड़ा गई थी जिस टाइम वो वहां पे तहकीकात हुई थी उससे कॉन्ट्रेडिक्ट करें तो इजाज़ चौधरी साहब को उनके घर के बाहर अन आइडेंटिफाइड दो लोगों ने जो है मार दिया तो ये चार वो लोग हैं नाजीन जो कि जिनमें एक मकसूद चपड़ासी है जिसमें डॉक्टर रिजवान है जिसमें जिसमें कामरान साहब जिस इजाज़ महमूद साहब हैं इन चार लोगों की जो लिंकेज है वो हाई प्रोफाइल केसेस से था और वो पुर इस हालत में मरे हुए मिले आखिर ये क्यों है कि ये चार लोग जो हैं इनके जो ताल्लु थे हाई प्रोफाइल केसेस से थे कोई तो नेचुरल डेथ हुई है या फिर आ, इनको जो है प्लान तरीके से खत्म किया गया ताकि सबूत मिटा दिए जाए एक बड़ा मम्मा है हमारे पास ये स्टोरी है हमने कहा कि आपको बताने चाहिए कि किस तरह से जो इलीट क्लास है हम किस तरह से हमारे जो अशराफिया उसके केसेस को जो है दबाया जाता है उसके केसेस से सबूत खत्म किए जाते हैं और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं हमारे वजीर अला भी बन जाते हैं उनके केस में कुछ सामने भी नहीं आता ना ही उनको सजा होती है सजा है तो गरीब आदमी के लिए है इस हकूमत ने महंगाई अरूज पर पहुँचा दी है आज हंड्रेड इंडेक्स जो है थाउजेंड इंडेक्स जो है वो स्टॉक मार्केट गिर गई है लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है तीन रुपए जो है बिजली ज्यादा कर दी गई है और इस महंगाई के तूफान जो आने वाला है इसमें लोग अपनी खैर मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा इम्पोर्टेड हकूमत की जानव से जो बजट पेश किया गया उसको बिजनेस मार्केट ने बुरी तरह ठुकरा दिया है क्योंकि उसकी वजह से आज थाउजेंड इंडेक्स जो है वो डाउन रहा है पाकिस्तान की तारीख में वैसा पहली दफा हुआ है कि डॉलर जो है दो से ऊपर ट्रेड कर गया दो सौ में उसको तो उसकी परचेजिंग पहुँच गया लेकिन कोई पाकिस्तान की मैशत को संभालने वाला नहीं है शहबाज शरीफ साहब जिनकी जानब से बड़े दावे किए जा रहे थे खामोशी है खामोशी है जैसे ये केस है इन लोगों के वैसे ही केस से सफाया किया गया है आप जिस तरह से आपके सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या उससे मुंसलिक कोई बंदा वैसे ही ये मैशत का कहीं सफाया ना कर दें वैसे ही ये पाकिस्तान के पैसों का ना सफाया कर दें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पे पाकिस्तानियों को सोचना होगा बहरहाल मेरे पास ये स्टोरी थी हमने सोचा आपके साथ शेयर करें फिलहाल के लिए इतना ही कम्बल को इजाजत दीजिए अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफि